नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब के सिटी। मैं हूं करनाल से केसी आर्या। करनाल में आज बीएसपी द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है और मांग की जा रही है कि विरोधियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। सर, क्या मामला है, क्या क्यों प्रदर्शन किया जा रहा है? दिल्ली के अंदर एक हमारी दलित समाज की 9 वर्षीय बेटी के साथ बलात्कार करके और उसकी निर्मम हत्या की और उसके शव को भी अधजला छोड़ा है। आज उसी कड़ी के माध्यम से आदरणीय बहन माई जी के दिशा निर्देश के अनुसार हम जिला करनाल की ओर से पूरी करनाल बहुजन समाज पार्टी की टीम इसकी घोर निंदा करती है और मांग करती है कि जो बदमाश या गुंडे थे जिन्होंने उस दलित समाज की लड़की बेटी के साथ ऐसा व्यवहार किया, वो निंदनीय हैं। हम मांग करते हैं उनको जल्द से जल्द फांसी दी जाए और आगे समाज के अंदर कोई ऐसी दर्दनाक घटना न हो पाए। इसी के साथ सिरसा गांव के अंदर, हरियाणा के सिरसा गांव की एक 12 साल की बच्ची थी, वो भी दूध लेने के लिए गई थी और पुलिस प्रशासन पे उन्होंने FIR दर्ज कराई, लेकिन 5-6 दिन के बाद भी पुलिस प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की और उसका भी शव एक खेत में मिला। तो हम इन दोनों घटनाओं की पूरे पुरजोर इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं और माननीय राष्ट्रपति महोदया के नाम हम DC साहब को ज्ञापन आज सौंपने जा आए हैं कि उनको जो भी दरिंदे हैं उनको जल्द से जल्द सख्त से सजा मिले, उनको फांसी मिले। और कौन सी पार्टी है, किस तरह से प्रदर्शन हो रहा है? बहुजन समाज पार्टी की ओर से, जिला करनाल की ओर से प्रदर्शन हो रहा है। हमारे साथ हमारे पूरे अशोक मित्तल जी, जो हमारे पूर्व में जिला परिषद के चेयरमैन रहे और पार्षद हैं, और मास्टर राम किशोर जी, रामपाल भ्यान जी और आदरणीय राम कुमार वाल्मीकि जी, जो हमारे स्टेट कार्यकारिणी के सदस्य हैं, और मतलब रामपाल भवान जी, विनोद चोरा जी हमारे पांचों विधानसभा के अध्यक्ष, सीशन जी जो नीलोखड़ी के हमारे अध्यक्ष हैं। जो एक घिनौनी वारदात की गई है दिल्ली में, जो दिल्ली के अंदर घिनौनी हरकत हुई, 9 वर्षीय बच्ची का जो बलात्कार करके उसका शव जलाने का जो काम किया, बहुजन समाज पार्टी उसकी घोर निंदा करती है और माने बहन कुमारी मायावती जी के दिशा निर्देश के ऊपर आज हरियाणा प्रदेश के हर जिले के अंदर हम इस तरह का प्रदर्शन करके और ज्ञापन सौंपने का काम कर रहे हैं। और बहुजन समाज पार्टी ये मांग करती है कि जो इस प्रकार के दरिंदे हैं उनको फांसी की सजा हो, यही बहुजन समाज पार्टी की मांग। तो ये है BSP कार्यकर्ता जो आज ज्ञापन लेकर यहाँ पर करनाल के सेक्टर 12 में पहुँचे हैं और मांग कर रहे हैं कि जो भी दरिंदगी दिल्ली में या सिरसा में बच्चियों के साथ हुई है, उनके जो आरोपी हैं उनके खिलाफ उनकी फांसी की सजा होनी चाहिए, फांसी की मांग कर रहे हैं। इसी को लेकर बहुजन समाज पार्टी के यहाँ कार्यकर्ता पहुँचे हैं और रोष प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी करते हैं, उनके खिलाफ मांग कर रहे हैं। राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन लेकर पहुँचे हैं सभी कार्यकर्ता कि आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। सभी की यही मांग है कि जो दिल्ली में 9 वर्षीय बच्ची के साथ घिनौनी वारदात हुई है, वहीं जो सिरसा में वारदात हुई है, इन दोनों वारदातों के आरोपियों की गिरफ्तारी की व कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, यहाँ पर पहुँचे हैं। और फिलहाल सभी यहाँ पर कार्यकर्ता पहुँचे हैं। फिर सामने आई है कि कब तक हमारी बेटियाँ बलि चढ़ती रहेंगी, कब तक ये चीजें होती रहेंगी और फिर तारीख पे तारीख ही दी जाती है। सभी जो कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँचे हैं उनसे भी जानते हैं कि मामला क्या है। जब से BJP की सरकार बनी है, जो प्रशासन है, जो समाज के अंदर, जो विशेषकर दलित समाज है, वैसे तो हर समाज के ऊपर जुल्म, दिल्ली के अंदर एक 12 साल की बच्ची के साथ छोटी बच्ची, 9 साल की बच्ची, जो दुष्कर्म किया गया है और उसकी हत्या कर दी गई, इस मामले को लेकर बहुजन समाज पार्टी, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके दिशा निर्देश के अनुसार आज महामहिम राष्ट्रपति महोदया जी के नाम ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं। माननीय उपायुक्त महोदय के द्वारा बहुजन समाज पार्टी ये ज्ञापन देने जा रही है। सभी पदाधिकारी बहुजन समाज पार्टी जिला करनाल के पदाधिकारी, जिसमें राम कुमार वाल्मीकि जी प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य, रामदास करणवाल जिला अध्यक्ष, अशोक मित्तल जी चेयरमैन, हमारे तमाम पदाधिकारी, विधान इस तरीके के जो घिनौनी घटनाएं हो रही हैं,
इसके बारे में बहुजन समाज पार्टी मांग करती है कि ऐसे दरिंदों के साथ फांसी की सजा इन लोगों को दी जाए, ताकि आने लोगों को फांसी की सजा होनी चाहिए जिन्होंने ऐसी घिनौनी वारदात की है, ऐसी घिनौने कार्य की है, उनके साथ जो है बर्बरता जो उन्होंने की है उनके साथ भी ऐसी बर्बरता होनी चाहिए। सर क्या कहेंगे आप भी यहाँ पर पहुंचे, ये क्या मांग करेंगे? ऐसा मांग तो आपको हमारे जिलाध्यक्ष जी ने बताई है, एक जो दलित समाज की बेटी के साथ जो आज दरिंदगी दिल्ली के अंदर हुई है, एक वो बिल्कुल निंदनीय घटना है। और बहुजन समाज पार्टी आज इसकी पुरजोर मांग करती है कि जो दरिंदे हैं जिन्होंने ये गैंगरेप किया है उनको जल्दी से जल्दी पकड़ के उनको कठोर सजा, तो क्या मैं तो ये कहूँगा मृत्यु दंड दे। आज बहुजन समाज पार्टी बहन कुमारी मायावती जी के दिशा निर्देश के अनुसार आज हम उपायुक्त महोदय के मार्फत जो एक अपने महामहिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन देने आए हैं उन दरिंदों को पकड़ने के लिए। और मेरा नाम अशोक मित्तल है, पूर्व चेयरमैन जिला परिषद करनाल से हूं और मौजूदा जिला पार्षद करनाल हूं। अशोक मित्तल जो कि बीएसपी के जिला पूर्व पार्षद चेयरमैन रह चुके हैं, उनका कहना है कि ऐसे जो घिनौने कार्य करने वाले हैं या दरिंदे हैं उनके खिलाफ फांसी की सजा जरूर होनी चाहिए। फिलहाल मैं हूं करनाल से, केसी आर्य, पंजाब केसरी टीवी।